When in Mumbai, do as Mumbaikers do. ये कहावत तो आपने सुनी होगी. हे मुख्यतः म्हणजे जस्टिन बीबर जे आज आलेले आहेत त्यांच्यासाठी आहे. मतलब ये जो इंटरनेशनल पॉप स्टार पहली बार इंडिया आए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई 90s का पिक्चर चल रहा है और ये दहेज मांग रहे हैं, वरना शादी से उठ जाएंगे. तो आई एम थिंकिंग कि आपला जो भाऊ वाला है जस्टिन, अपन उसको समझाएंगे कि मुंबई में ऐसा बहुत सारा चीज है दैट यू कैन एंजॉय, डिमांड्स का जरूरत नहीं. आपके कॉन्सर्ट में यही लोग करने वाले हैं, जगह नहीं रहेगा खड़े रहने के लिए. दूसरा ऐसा डिमांड में वाचत होती कि जस्टिन को स्नैक्स में कुछ ऑर्गेनिक टर्की चाहिए, फिर ऑलिव्स, लेटिस. जो आंको लगे लाइक चना जोर गरम और चॉकलेट शेजवान चटनी, ये मस्त लगता है. फाइनली आई वांट टू टेल यू कि ट्रैफिक से बचने के लिए आप जो चॉपर राइड का इंतजाम कर रहे हो, इट्स वेरी स्कैरी, खाली का पड़ लगा. फॉर एग्जांपल, मतलब मैं सामान लेकर रिक्शा में बैठती हूँ और एक दो आलू नीचे गिर जाता है, तो आई कैन टेल रिक्शा वाला कि भैया थाम जरा, खाली पड़ लेते उतरूंगे. वो चॉपर से कुछ गिर गया, सोचो वो पिंग पोंग बॉल गिर गया, तो कैसे उठाने जाएंगे आप? हाउ विल यू गो डाउन? इट विल बी टू लेट टू से सॉरी. तो माजा एक इनर वॉइस ऐसे बोलते है कि मैंने आपको जस्टिन को जो भी डिमांड्स का सोल्यूशन दिया है, हैव बीन वेरी गुड एंड यू फील सैटिस्फाइड. एज योर लव, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द 70,000 वाले सीट टिकट्स, सो दैट समोरून भेट झाली आपली तर आपण मिळून शेजवान चटणी आणि चकली खाऊ शकतो.